अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुकी हूँ और आज फिर से मैं चूल्हे के पास भी हूँ तो चूल्हे की अभी सफाई हो रही है और चूल्हे पे ही आज खाना बनेगा फिर से सारा सभी के लिए तो ये चूल्हे में जो ये निकाल रही है ना वो राख है लकड़ी जो जल के राख बनते हैं ना तो वो सब निकाला जा रहा है मेरे यहाँ काम वाली जो है वो सब साफ कर रही है तो ये पूरा साफ होगा उसके बाद इसकी मिट्टी से पुताई उताई होगी और सारे चूल्हे में भरा हुआ है तो वो सब निकल रहे हैं सब साफ होंगे उसके बाद इस पर मेरी नानी चावल की रोटी बनाएंगे और आज बन रहा है चावल की रोटी और तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें आ, सारे राख निकल चुके हैं चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो चुका है लेकिन अभी झाड़ू वगैरह पड़ेंगे तो बस उसके बाद रोटी बनना शुरू रोटी बनना तो शुरू हो गया लेकिन चूल्हे के पास फिर से गंदगी हो गई कोई बात नहीं लकड़ी का काम होता है आग वगैरह का तो इस तरह से गंद होती ही रहती है कोई मसला नहीं है और मेरी नानी बना रही हैं रोटी बहुत ही अच्छा बनाती हैं बहुत नरम होती है इनके हाथ की रोटी तो बस मेरी नानी आई हुई हैं तो बस बना रही हैं देखें आपको किस तरह से बनाती हैं मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक भी करते जाएँ और ये देखें वो मिट्टी के बर्तन में मैंने बताया था कि मिट्टी चूल्हे पर जो है मिट्टी का वो होता है ना उसी में बनाया जाता है रोटी तवे पे नहीं तो वही मिट्टी के बर्तन में चूल्हे के लिए मेरी अम्मी लोग ख़रीद कर रखती हैं तो बस उसी बने उस में बने उसमें ज़्यादा टेस्टी होता है तो ये देखें बन रे ये रोटी और आप लोग ने मेरी नानी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है अल्लाह ताला मेरी नानी को सेहत दे तंदुरुस्ती दे, दे, दे और लंबी उम्र दे आमीन सुम आमीन और यहाँ पर मेरी नानी बच्चों के लिए ये देखिए चिड़िया बना रही चिड़िया वगैरह बना रही मेरे मोहम्मद मुह, के लिए मेरी के लिए और अप्पी के बच्चों के लिए सब के लिए जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें सबके हाथ में दे रही अच्छा लग रहा है बहुत तो ये देखें ये चूल्हे पर इधर मटन भी तैयार हो रहा है बस बनता जाएगा सब लोग खाते जाएंगे क्योंकि गरम गरम ही खाते हैं ये वाली रोटी तो इधर मटन है और इधर रोटी बन रही है मेरी नानी बड़ी मेहनत से बना रही बेचारी माशा माशा और हॉटपॉट जो देख रहे हो ना बिल्कुल साफ हॉटपॉट था लेकिन ये जो है रोटी कपड़ा हुआ है तो इसलिए वो काला काला लग रहा है ऐसा कुछ नहीं सा, बिल्कुल साफ़ था तो बस यहाँ पर देखें मैं आपको उठा करके भी दिखा दे रोटी इस तरह से बिल्कुल नरम सी मज़े की रोटी तैयार हो रही है और सब लोग चूल्हे के पास बैठे हुए हैं जाड़े में तो बहुत मज़ा आता है चूल्हे के पास बैठना और इधर देखे मोहम्मद का ये देखें बिल्कुल बैठा हुआ है सब कुछ देख रहा है कि ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है और ये देखें ये, देखें। ये बन रही रोटी और मटन भी तैयार हो चुका था तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ तो ये मटन बिल्कुल तैयार है चले निकालते हैं जी तो बस खाना तैयार है हॉट पॉट ले ही कर जाते हैं क्योंकि रोटी ठंडी हो जाएगी और चले खाते हैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज